हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरु जी। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर ट्वेल्थ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप इस चैप्टर को देखेंगे, इस चैप्टर के नाम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो दो वर्ड हैं कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहले इन दो वर्ड्स को आपको समझना होगा, फिर आगे हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बाय करता है कंजम्पशन के लिए, यूज करेगा वो, उससे आगे बिजनेस नहीं करेगा। यानी कि जैसे कोई पर्सन है, आप है, मैं हूँ, घर पे हम कोई वेजिटेबल्स ले जाते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं, कोई चिप्स ले जाते हैं, स्टेशनरी का सामान ले जाते हैं, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, बहुत सारे प्रोडक्ट, क्लोथ्स वगैरह, सब हम चीज़ें यूज करते हैं। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं वो तो कंजम्पशन बोलते हैं, बिकॉज हम उसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ओके, यानी कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है और उसको यूज़ करता है या कंज्यूम कर लेता है तो उसको कंजम्पशन बोला जाता है, और जो ऐसा करता है उसे कस्टमर बोलते हैं। बट ऐसा कोई पर्सन जो किसी भी गुड्स एंड बाय सर्विसेज को बाय इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे वो उसको सेल करके प्रॉफिट कमाएगा, तो वो कंज्यूमर नहीं है, वो बिजनेसमैन है या ट्रेडर है वो। तो हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना है, यानी कि जो गुड्स को फाइनली कंज्यूम करता है, उसके आगे वो गुड्स कहीं नहीं जाना, वो यूज ही होना है, तो उसका हमें प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हाई लेवल का है, एडवर्टाइजमेंट हाई लेवल का होता है, सब चीज़ें हाई लेवल की होती है, और प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जाने के लिए राजी रहते हैं, मतलब वो कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए बेवकूफ़ बनाना पड़े तो बनाएंगे, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है वो भी बताएंगे, उसका वेट के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ, उसके कंटेंट के साथ में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी करके वो प्रॉफिट कमाते हैं। गवर्नमेंट भी इसलिए उन पर क्या कोशिश करती है कि भाई किसी के साथ, कंज्यूमर के साथ फ्रॉड वगैरह नहीं हो, तो गवर्नमेंट भी जाती है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए कंज्यूमर को ठगा जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट वो बाय नहीं करे कि उसकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, या उसने ऐड देखा कुछ और, प्रोडक्ट देखा कुछ और, क्वालिटी वो उसको नहीं मिली, उसके साथ फ्रॉड हो जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है बनाया है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिजनेस पर्पज से भी, क्योंकि फाइनली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस कौन सा चलेगा? लॉन्ग टर्म में बिजनेस वो चलेगा जो क्वालिटी वगैरह एकदम अच्छी देगा। तो सबको ही बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर को भी है, बिजनेस को भी है, सोसाइटी को भी है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, और उसका ओवरऑल फायदा बिजनेस को मिलता है। और इसके अलावा कंज्यूमर जो है किंग है, आपको बताइए, किंग ऑफ द मार्केट। अगर किंग नाराज हो गया जिस दिन उस कंपनी की, तो समझो बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे उसको। तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर एक्ट भी लाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009। ये तो नॉर्मली मैंने आपको बताया है। अभी अगर एग्जाम में आ जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस बताइए, तो आप क्या इंपॉर्टेंस बताएंगे? तो वैसे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पढ़ा हुआ सही रहता है, तो आप ये लिखेंगे, इसमें से कोई भी 5 या 6 इंपॉर्टेंस लिख देंगे आप, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट होता है एडल्ट गुड्स, जो भी सेल होती है मिलावटी गुड्स की, है ना, एडल्टर्ड गुड्स मतलब ओरिजिनल नहीं, उस चीज़ों के अंदर कुछ मिलावट कर देना। मिलावट तो सुनी होगी ना, जैसे आप मार्केट से, अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले लूँगा, लेकिन आप किसी भी मार्केट्स में जाके जो है घी लेके आते हैं, क्या आपको क्या लगता है वो आपको शुद्ध देसी गाय का घी देगा? आपको ऐसा लगता है के अंदर एडल्टर्ड होगा या नहीं? ठीक है ना, तो वो चीज़, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्या हो जाती है, मिलावट कर देते हैं, का जो उसमें इन्फीरियर सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है और प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है, उसके जैसा ही कुछ चीज़ ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैंने सुना था, मुझे पता नहीं ये हकीकत है कि नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना था शायद न्यूज़पेपर में, हाँ न्यूज़ देखी थी, सुना नहीं था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आया था कि जो काजू कतली होती है, हाँ,
उसमें एक काजू कतली वैसे किसकी बनती है, काजू की बनती है, लेकिन एक जो बीज आते हैं आई थिंक जो होता है आपका एक बड़ा सा फल होता है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो सस्ते होते हैं, पाइनएप्पल के बीज थे या किसी चीज़ के थे, वाइट कलर के आते हैं वो, ऐसा मेरे को काफ़ी पुराना एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो उसकी बहुत बड़ी एक ट्रक जो है उन्होंने पकड़ी थी पुलिस ने, वो क्या करते थे काजू की जगह उस बीज का यूज़ करते थे, काजू बहुत महंगा आता है वो बीज बहुत सस्ता आता है, और उससे काजू कतली बनाते थे और मिक्स करके, और वो मार्केट में बहुत हाई रेट में बिकती थी और बहुत सस्ते में वो मटेरियल पड़ता था। इसको बोलते हैं आपका एडल्टर्ड्स। इसमें जो मेन प्रोडक्ट की जो मेन मटेरियल है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट मिला दिया जाता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, वरना कंज्यूमर सोच के कुछ और, हम तो सोच के यही बाय कर रहे हैं कि काजू कतली खाएंगे, लेकिन पता चला बड़े चाव से खा रहे हैं लेकिन उसमें काजू था नहीं, या उतना नहीं था जितना बोला गया है। ओके, सो इस चीज़ से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेल ऑफ काउंटरफेट्स गुड्स सच सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ लेसर वैल्यू देन द रियल प्रोडक्ट, ना जो रियल प्रोडक्ट है उससे कम भाव में एक बेकार प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर सेल कर देना, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको कि इस चीज़ को, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसको आप बोल सकते हैं नकली वस्तु है ना, नकली वस्तु है जो रियल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आपको पता है ना नकली चीज़ें आती है, तो वो चीज़ है ना कॉपी उसकी, और वो रियल नहीं है, ठीक है। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, सब स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं उस हिसाब से उस गुड्स को नहीं बेचना, मतलब घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती हैं उसकी बात कर रहा है, जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं वो स्टैंडर्ड गुड्स में नहीं होना, फिर भी उसको बेच देना। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, नकली सामान बेच देना, डुप्लीकेट कॉपी बेच देना। यूज ऑफ मेल फंक्शनिंग वेट्स एंड मेजर्स द लीड ऑफ अंडर वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको अंडर वेट करके जो है सेल कर देना। अंडर वेट करके आप बोलोगे कैसे बेचेंगे भाई, टोल मोल में हेर फेर कर देना ना थोड़ा सा, कौन अब तुलवा की चीज़ें लेगा, आजकल तो बहुत इजी है, हम तो किस पे ट्रस्ट करते हैं कंज्यूमर, जो पैकिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ हाफ के जी हम मान लेते हैं हाफ के जी, कभी उसको तोल के देखा नहीं, हम नहीं देखते हैं, फटाफट टोकरी में डालते रहते हैं। तो आपको क्या पता अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा वेट कम है तो आपको तो लॉस ही हो रहा है, लेकिन कंपनी को तो बेनिफिट ही हो रहा है, वो चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका, फिर नेक्स्ट पॉइंट यूज ऑफ, ये हो गया ब्लैक मार्केटिंग। जैसे इसमें क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग बहुत चलती है, ठीक है, ये है इलीगल लेकिन फिर भी लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। जब पता चलता है ना, जैसे अभी कोविड में क्या हुआ था, जो लोग वो खाते हैं ना उनके साथ ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, कोविड की वजह से सप्लाई बंद हो गई थी, आपको पता है सप्लाई बंद होने से क्या होता है, जैसे जो लोग वो खाते हैं ना फिर पिच पिच करते रहते हैं, या तो गुटखा पान मसाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी शॉर्टेज आ गई क्योंकि लॉकडाउन था, सप्लाई बंद हो गई, लेकिन जो ये चीज़ें खाते हैं उनकी डिमांड तो डेली की है, उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते, बहुत खतरनाक नशा है ये, तो इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, बहुत खतरनाक नशा है, सारे नशों से खतरनाक है, तो क्योंकि इसके बिना रहा नहीं जा सकता, तो जो लोग वो खाने वाले हैं वो तो खाएंगे, लेकिन आगे से सप्लाई होगी बंद क्योंकि लॉकडाउन था। तो क्या हुआ, सप्लाई बंद डिमांड हाई, क्या हुआ, वो 1 रुपी या 2 रुपी या 5 रुपी का जो पैकेट था वो 100, 200, 300 तक चला गया उसकी रेट। अब मान लो बाई चांस किसी सप्लायर के पास में, जो ब्रोकर है या सप्लायर है छोटा मोटा भी है, उसके घर में अगर मान लेते हैं वैसे 1000 पैकेट भी पड़े होंगे, तो 1000 और एक अगर 200 में भी बेच दे, वो बैठे बैठे कितनी कमाई करे। 1000 पैकेट अगर 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ के थे लेकिन 100 रुपीज़ मिल रहे थे, देखो कमा लिया पैसा, और किसी के पास ज़्यादा थे तो उसने बहुत ज़्यादा कमाया। ये तो अब ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया, बाकी कुछ लोग वास्तव में ऐसा बिना लॉकडाउन भी कर लेते हैं, वो क्या करते थे सप्लाई रोक देते हैं, 8-10 जने मिल गए, ग्रुप बना लिया गया, भाई इस मार्केट में इस चीज़ की सप्लाई रोक दो, थोड़े टाइम तक उन्होंने सप्लाई रोक दी, गुड्स उनके गोडाउन में पड़ा है, जैसे प्राइस हाई भी उन्होंने गुड्स सप्लाई वापस बढ़ा दी, तो उसको हाई रेट पर वो गुड्स सेल करके बेनिफिट कमा, तो बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू
जो है ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए भी कंज्यूमर का जो है प्रोटेक्शन कंज्यूमर को देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ओवर चार्जिंग प्रोडक्ट, एमआरपी से भी ज़्यादा बेचना, है ना, जहाँ पर मोनोपोली होती है, आसपास में कोई दुकानें नहीं होती है। अगर आप ऐसे एरिया में चले जाए तो वहाँ पर आपको कुछ लोग जो है एमआरपी से भी ज़्यादा पे गुड्स बेच सकते हैं। सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, लॉकडाउन में तो देखा भी होगा ना, ओवर प्राइस एमआरपी से ज़्यादा बेच रहे थे, फिर कुछ जगह जो है छापे वगैरह भी पड़े है, गवर्नमेंट और पुलिस वगैरह जो है हरकत में भी आई थी, तो वो ये चीज़ें हैं। तो इस सबसे इस सबसे प्रोटेक्शन देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट दैट आर मिसलीडिंग, एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना मिसलीडिंग वाले, है ना, ये देखो ये मैं गोरी हो गई, ये क्रीम लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ और फिर 7 दिन में ये हो जाएगा या वेट लूज हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इस ऑयल को यूज़ करना है, बाल आ जाएंगे आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं मिसलीडिंग वाली एडवर्टाइजमेंट, तो उससे कंज्यूमर को बचाना है। और सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विसेज, इन्फीरियर सर्विसेज क्या होती है, ऐसी सर्विसेज जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसा बोला गया था वैसी क्वालिटी की सर्विस नहीं, ठीक है, आजकल सर्विसेज भी चलती है ना, तो उससे भी अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब बात आती है भैया क्या नीड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ताकि कंज्यूमर को फिजिकल सेफ्टी दी जा सके, पता चला वो प्रोडक्ट घर गया यूज़ किया और उससे उसके हेल्थ ही खराब हो गई, है ना, का हेल्थ इशू हो गया, मेंटली प्रॉब्लम हो गई कुछ, है ना, तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए एसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यार, सामने वाले को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, जो प्रोडक्ट है जैसा है उसी क्वालिटी को बताकर बेचो ना। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ताकि कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड रहे, सोशल जस्टिस रहे, लोग ट्रस्ट करें, सर्वाइवल एंड ग्रोथ हो बिजनेस की, बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो कंज्यूमर से पंगे नहीं, जो है वैसा बेचो, वही बोल के बेचो। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका यहाँ पर स्लाइड, वो है कंज्यूमर इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसकी इम्पोर्टेंट क्या है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है या ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि कंज्यूमर जो है वो इग्नोरेंस ना हो, यानी कि कंज्यूमर को कई बार क्या होता है बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की उसे नॉलेज नहीं होती, बस वो तो बाय करता है, यूज़ करता है, कई बार सही निकल जाता है, कई बार बेकार निकल जाता है, सही निकल जाता है तो ओके, बेकार निकल गया तो दो चार उस शॉपकीपर को गालियाँ देता है और शांति कर लेता है, चलिए उसे क्या होगा भैया, नुकसान उसका हो गया ना, तो उसको पता होना चाहिए कि आप जो है लीगली उसके ऊपर जो है केस कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हो उसके ऊपर। तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर जो अनऑर्गेनाइज है, इकट्ठा नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। विड स्प्रेड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर माइट टू बी एक्सप्लोरेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा के प्रति जो है कंज्यूमर को जो है जागरूक करना, के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, किंग नाराज हो गया ना तो भैया सबको फांसी की सजा सुना देगा वो, कहने का मतलब है, व्यंग्य है ये, कहने का मतलब है वो जिस भी जो भी बिजनेस कंज्यूमर को नाराज करेगा बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा वो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रखना चाहते हो, बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो, जैसे टाटा नाम लेती दम है भैया, यकीन नहीं हो रहा तो एक टाटा की गाड़ी लेना 4 व्हीलर और उसके पास में खड़ी कर देना दूसरी बहुत सारी कंपनियां, और एक मुक्का मार के देखना दोनों, पता चल जाएगा टाटा क्या है। ओके, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना है तो करेक्ट चीज देना बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कमाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। बिजनेस यूज सोशल रिसोर्सेज, बिजनेस जो भी यूज करता है वो सोशल रिसोर्सेज होता है, चाहे बिजनेस का ओनर कहाँ से आया, सोसाइटी से, पैसा कहाँ से लाया, सोसाइटी से, वर्कर कहाँ से आया, सोसाइटी से, मटेरियल कहाँ से आया, नेचर से, सोसाइटी से ही आया है, सब कुछ सोसाइटी का ही है, तो वापस सोसाइटी को लौटाना है तो करेक्ट लौटाओ। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप जो है बिजनेस अपनी
निभा सकता है, मोरल जस्टिफिकेशन दे सकता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट जो होती है ना सरकार है ना, वो फिर इंटरवेंस कर सकती जो है। इंटरवेंस का मतलब यहाँ पर है कि गवर्नमेंट जो है वो भी, आप अगर कंज्यूमर का आप सेफ रखोगे ना तो गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन नहीं होगा, वो भी बिना फालतू का आपको परेशान नहीं करे, ठीक है। वरना अगर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड करोगे तो वो आपको शिकंजे में ले लेगी। तो ये थे कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस एंड उसकी नीड्स के बारे में हमने पढ़ा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नया आया है। तो ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड में मिलते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।